हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसके साथ हम बनाएंगे लाजवाब और तीखी सी चटनी जो इसके स्वाद को चार गुना बढ़ा देगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक कप बाजरे का आटा लिया है, साथ ही इसमें एक कप उबले और ग्रेट किए हुए यानी कद्दूकस किए हुए आलू डाल देंगे। आप ध्यान रखें आलू में कोई भी मोटी गुठलियाँ ना हों। साथ ही इसमें एक हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देंगे और एक चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। तिल डालना टोटली ऑप्शनल है। साथ ही इसमें एक चौथाई छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, साथ ही आधी छोटी चम्मच काला नमक डाल देंगे और एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और मैं यहाँ पर दो छोटी चम्मच अचार का मसाला ले रही हूँ। अगर आप अचार का मसाला ना डालना चाहें तो आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अचार मसाले से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और ये देखिए, ये मैं मिक्स वेज है मेरे पास अचार, तो मैं इसका डाल रही हूँ। आपके पास आम का अचार हो, कोई भी अचार हो, आप उसका मसाला डाल सकते हैं। साथ ही इसमें मैं यहाँ पर चार बड़े चम्मच हरा धनिया डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हो सकता है आपको पानी की ज़रूरत रहे, हो सकता है ना रहे, क्योंकि आलू में कितना मॉइस्चर है इस पर डिपेंड करता है। तो मुझे इसमें थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तो मैं इसमें दो से तीन चम्मच पानी डालकर इसका टाइट डो लगा लूँगी, क्योंकि ये आटा थोड़ी देर रखने के बाद अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। तो आप ध्यान रखें इस समय हमें इसका टाइट डो लगाना है। और ये देखिए, आटा लगाकर हमने तैयार कर लिया है बिल्कुल। अब इसमें एक छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे इस तरह से, और इसे वापस दोबारा से मलकर चिकना कर लेंगे। आटा लगकर तैयार है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और तब तक इसके लिए चटनी की तैयारी करते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तीन मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको इस तरह से छील लिया है, साथ ही इनके ऊपर का जो वाइट पार्ट होता है वो भी निकाल दिया है और इन्हें इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। अब पैन में दो से तीन चम्मच ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पर तीन कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप नॉर्मल लाल मिर्च अगर लें तो उसमें से बीज निकाल दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। साथ ही इसमें 6 से 7 लहसुन की कलियां डाल देंगे और इन्हें लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें स्लाइस किए हुए प्याज डाल देंगे, साथ ही इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और इन्हें अच्छे से गोल्डन कलर आने तक अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे इन प्याजों को, ताकि इसमें कच्चापन चला जाएगा। और ये देखिए, प्याज पर अच्छा सा कलर आ चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इस मिक्सचर को इस ग्राइंडर जार में डाल देंगे। साथ ही खट्टेपन के लिए मैं इसमें दो छोटे से टुकड़े इमली के डाल रही हूँ। अगर आपके पास इमली ना हो या आप ना डालना चाहें तो आप इसकी जगह अमचूर या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए, हमने इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। और अब चटनी के लिए तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे, साथ ही इसमें 1 छोटी चम्मच दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ डाल देंगे, 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी डाल देंगे जिसे निजेला सीड्स भी कहते हैं, साथ ही 1/2 छोटी चम्मच सरसों डाल देंगे और इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। मसालों में से बढ़िया सी खुशबू आने लग गई है, साथ ही इनका कलर भी चेंज हो गया है, तो अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें यहाँ पर ये प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही इसमें 2 छोटी चम्मच मैं देगी मिर्च डाल रही हूँ। इससे इसमें बहुत बढ़िया कलर आएगा। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। और ये मैंने इस चटनी को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है, अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है। तो अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। ज़्यादा भूनने से इसका जो शेल्फ लाइफ है बढ़ जाती है। इस चटनी को भी यानी कम ऑयल की चटनी को भी आप 4 से 5 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और लीजिए, हमारी चटनी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम चटपटी है, तो मैं इसे इस बाउल में डाल लूँगी। और अब हम आटा देख लेते हैं। आटे को एक बार दोबारा से मलकर इस तरह से चिकना कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आटा पतला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा बाजरे का या फिर गेहूँ का आटा डालकर इसे सही कर सकते हैं। इसमें से छोटी लोई ले लेंगे और इसे हम गेहूँ के आटे से अच्छे से कोट करेंगे और फिर इसे बेल लेंगे। आप ध्यान रखें, हमें इस पूड़ी को थोड़ा सा मोटा बेलना है और थोड़ा सा छोटा ही बेलना है। बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे तो पूड़ी अच्छे से फूलेगी नहीं। और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम हटा देंगे इस तरह से हाथ से। और आप चाहें तो तेल की मदद से भी इन्हें बेल सकते हैं। और ये देखिए, मैंने कुछ पूड़ियाँ बेल ली हैं और गैस पर हमने तेल पहले ही गर्म कर लिया है। जो तेल है वो मध्यम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अब हम इसमें ये एक पूड़ी डालेंगे और कुछ सेकंड्स के बाद इसके ऊपर इस तरह से ये चम्मच या जो जिसे पोनी कहते हैं हम, इसे इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएगी। और ये देखिए, सभी पूड़ियाँ बहुत अच्छे से फूलेंगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। और अब इन्हें पलट देंगे एक साइड से, और दोनों साइड से जब इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से आप बाकी की सभी पूड़ियाँ फ्राई कर लें।
और ये देखिए हमने सभी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और इतने आटे में से हमारी 10 पूड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं और आप देख सकते हैं 10 की 10 पूड़ियाँ बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से फूली हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटी हैं। और मैं इसे सर्व कर रही हूँ इस चटनी के साथ। आप चाहें तो इन चटपटी पूड़ियों को बिना चटनी के भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा चटपटी हैं। आप इसे सुबह शाम किसी भी टाइम खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सफ़र में लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज ट्राई करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।